हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का स्वागत है एमडी ममता ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, और मैं वीडियो अपने ही मन से बनाती हूँ। जब मेरा मन करता है तब मैं वीडियो बनाती हूँ। आज कुछ खास कारण है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे घर कोई आ रखा है जो आप लोगों को मैं बताऊँगी। और आप लोग देखिए, मौसम बड़ा अच्छा है और सामने का पहाड़ भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ। वो अपना परिचय खुद ही देंगे, क्योंकि वो हमें अचानक ही आए हैं कल हमारे घर में। हमें भी पता नहीं था कि कौन आने वाला है। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और उनसे मिलवाती हूँ कि कौन है। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो अपना परिचय खुद ही देंगे आप लोगों की, कौन है, कहाँ से आए हैं। तो मिलिए, हमारे घर आए हुए हैं। तो आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मुझे आपके बारे में ज़्यादा अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, तो आप बताइए। अनंत कुमार मेरा नाम है। अच्छा, कल वैसे एक दिन हो गया रहते हुए मुझे यहाँ पर। तो कैसा लगा आपको यहाँ हमारे घर में? अनंत कुमार मेरा नाम, जैसे मैंने आपको बता दिया। और दिल्ली से मैं पैदल ही चल के आया, और गढ़वाल लगभग मैंने काफी हद तक गढ़वाल को देखा, काफी कुछ सीखा, बहुत कुछ मैंने लिखा है उसके बारे में। और कुमारमंडल में। अच्छा, तो अभी आपका सफर कहाँ तक है? कुईटी से? क्विटी से मैं मुंशियारी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, से फिर नीचे जाऊंगा, कुमाऊं मंडल के जो और डिस्ट्रिक्ट से नीचे के वहाँ घूमूंगा, और उसके बाद हिमाचल जाऊंगा। ठीक ठीक, ऐसे पूरे भारत की यात्रा। हाँ ठीक, और इसी तरीके से लोग मिलते रहेंगे, जैसे आपके घर परिवार के लोग हैं, ऐसे ही तो ये यात्रा भी सफल हो जाएगी जी। हाँ, मतलब मेरी अपनी यात्रा है ही नहीं है। लोग जो हेल्प कर रहे हैं उनकी यात्रा है, उनके बिना हो ही नहीं पाएगी। आपको बताया कि हमारे घर कौन आए हैं, और आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो मिलते हैं अभी और कुछ वीडियो के साथ, तब तक इंतजार करिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोग इतने दूर दूर से उत्तराखंड को देखने आ रहे हैं, वो भी पैदल। वो भी एक यूट्यूबर हैं, तो प्लीज़ देखिए, उनको भी सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं वो। कहाँ कहाँ जाते हैं वो लोग? वो जा रहे हैं मुंशियारी, मुंशियारी के बाद जाएंगे वो हिमाचल, वो भी पैदल। आप सोच सकते हैं कि पैदल कैसे जा सकते हैं वो? वो रुकते हैं और हमेशा हर वक्त आराम से ही जाते हैं वो, के जाते हैं। और कल वो काफी यहाँ फंस गए थे, बारिश भी हो गई थी रात को। तो हमने उन्हें बोला हमारे घर में जाओ, तो उन्होंने उनको यहाँ रोक दिया। तो अभी वो थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से। आज वो जा रहे हैं बिल्ली पर, हमने उसके बाद जाएंगे मुंशियारी। मुंशियारी में भी ना कैंप लगाएंगे, उसके अंदर बैठते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अभी। इस तरह से कल बारिश में इतना भीग गया था, धूप में रखा मैंने। निकल रहे हैं।
के साथ फोटो खींचने के लिए हमारी दीदी भी आई थी, हमने बुलाया था दीदी को, चाची जी को। चाची जी बहुत दुखी थी कि वो बेचारा अकेला था ना, इसने चाची जी कह रही थी आप अकेले आए हो दिल्ली से, अच्छा तो उन्होंने चाची जी को बोला चलो आप भी हमारे साथ, पर चाची जी गई नहीं। हाँ वो कह रहे थे चाची जी को भी साथ ले चलता हूँ, चाची जी गई नहीं उनके साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय।